वहीं दुर्ग विधायक अरुण वोरा और महापौर धीरज बाकलीवाल द्वारा शुक्रवार को शहर के विकास के लिए वार्ड 3, 4, 5 और 6 में सड़क व नाली निर्माण करने भूमि पूजन किया गया। इस दौरान सभापति राजेश शर्मा, वार्ड के पार्षद के और निगम के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान विधायक अरुण वोरा ने भूमि पूजन कर अपनी प्रतिक्रिया दी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम परिषद थी, अभी 2 वर्ष से कांग्रेस की नगर निगम परिषद आई है और उसमें जो विकास कार्य हो रहे हैं वो 15 साल तक कहीं दिखलाई नहीं दिए। आज आप देख लीजिए कि सड़क, नाली, बिजली, पानी और शंकर नाला जैसा महत्वपूर्ण नाला जो शहर के मध्य से होकर जाता है, लगभग 12 से 13 वार्ड को प्रभावित करता है। शंकर नाला के लिए 14 करोड़ रुपए की राशि, और उसके बाद आपके पटरी पार में जो नाला है कैलाश नगर और वार्ड नंबर 21 में, इधर आपके विद्युत नगर सही मंगलम के पास जो 90 लाख की लागत से बन रहा है, तो कुल मिला के नाले का निर्माण ताकि बरसात में हम लोगों को बचा सके, जल भराव की स्थिति ना हो। और सड़कों की हालत तो 15 साल में इतनी ख़राब हो गई थी कि लोगों को चलना दुभर हो गया। और हमने राज्य में कांग्रेस सरकार बनने के बाद सरकार से इस बात का निवेदन किया कि दुर्ग शहर के जो भीतरी मार्ग है वहाँ पर सड़कों का संधारण होना बहुत जरूरी है। तो जो राशि स्वीकृत हुई है उसके आधार पर हम लोग भूमि पूजन कर रहे हैं। आज लगातार ये हमारा भूमि पूजन जारी है। आज लगभग 40 लाख से अधिक कार्यों का हमने भूमि पूजन किया है। वैसे आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो काफ़ी लंबे समय से हम लोग मांग कर रहे थे नेहरू नगर से मिनी माता चौक तक 64 करोड़ का जो काम है, ये बहुत बड़ा काम है, ऐतिहासिक कार्य है। और दुर्ग के लोग कभी कल्पना किए करते थे कि हमारा जो शहर का मुख्य मार्ग है वह बहुत अच्छा हो, सुंदर हो, तो उसका सौंदर्यीकरण भी हो रहा है, चौड़ीकरण भी हो रहा है। और ये ठगड़ा बांध जिसकी कल्पना हम सब लोग किया करते थे कि दुर्ग में किसी पिकनिक स्पॉट हो, भारतीय जनता पार्टी में हम लोग भूल चुके थे। विधानसभा में मैंने लगातार दुर्ग की मांगों को उठाया विपक्ष के विधायक के रहते हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जूं तक नहीं हुई। और जैसे ही हमारी सरकार बनी और हमने मुख्यमंत्री जी से कहा तो उन्होंने कहा कि जितने भी आपने काम उठाए हैं, जितने भी आप काम विधानसभा में प्रश्नों के माध्यम से, ध्यान आकर्षण के माध्यम से उठाएं, वे सारे के सारे कार्यों को हम स्वीकृति देंगे। उसका परिणाम आपको दिखाई दे रहा है। झगड़ा बाद एक निश्चित अवधि बनना चाहिए। वैसे तो सारे काम जो अवधि निर्धारित की गई है उस अवधि में बनाए जाने चाहिए, अगर इसमें ढिलाई होती है।